बार शेर सुनते हैं और फोन रख लेते हैं, बात क्या है? मतलब आप आज फिर आप कहेंगे कि वो फलां शेर और शेर सुन के रख देंगे? वो कहते हैं असल में क्या यार ऋषभ, मेरा अफेयर चल रहा है, तुमसे शेर सुनता हूँ वहां सुना देता हूँ। सिक्के की दो साइड्स हैं, अगर आप अच्छे शायर नहीं हैं तो आप अच्छे गीतकार नहीं हो सकते। अगर आप अच्छे गीतकार नहीं हैं तो आप बहुत देर तक चल नहीं सकते। तो मेरा अजाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांगी, कैसा खुदा है तू बस नाम का है तू, रब्बा जो तेरी इतनी भी ना चली। का कुछ टुकड़ा, कुछ पता नहीं क्या नजम का हिस्सा था, क्या था, मैंने कहा जी जी सर, वो धूप का एक टुकड़ा रहता है इन पलकों की छांव में, धूप का एक टुकड़ा रहता है इन पलकों की छांव में, अच्छा खासा शहर बसा है एक छोटे से गांव में। ओके ओके, फोन रखूंगा, चलिए अच्छी बात। थोड़े दिनों के बाद, तीन चार पांच दिन के बाद उनका फिर फोन आया, ऐसा मैं संदेश बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी जी कहिए। अच्छा तुमने वो सुनाया था अपने होंठों से कुछ, क्या था वो? मैंने कहा जी जी, अपने होंठों से तेरी पलकों पे उल्फत लिख दूं और तेरे नाम नए ढंग से सब लिख दूं। कहते हाँ हाँ, फिर फोन लग गया। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा ये कुछ आगे बात नहीं करते हैं, हर बार जो एक शेर सा बताते हैं सुनते हैं फोन रख देते हैं। तीसरी बार मैंने कहा पूछूंगा इनसे कि बात क्या है। अब तीसरी बार चार पांच दिन के बाद उनका फिर फोन आया कि हेलो ऋषभ, संदेश बोल रहा हूँ। मैंने कहा एक मिनट सर, एक मिनट, आप हर बार शेर सुनते हैं और फोन रख देते हैं, बात क्या है? मतलब आप आज फिर आप कहेंगे कि वो फलां शेर और शेर सुन के रख देंगे? वो कहते हैं असल में क्या यार ऋषभ, मेरा अफेयर चल रहा है, तुमसे शेर सुनता हूँ वहां सुना देता हूँ। तो ये मेरे साथ तो किस्सा मलेरकोटला से शुरू हुआ और वाया चंडीगढ़ होता हुआ मुंबई तक पहुंच गया। मुझे लगता है इन सब जो कपल्स मिल पाए या मिल ना भी पाए, उन सब की दुआएं शामिल हैं आपकी सक्सेस में। जी सबकी दुआएं शामिल। अच्छा 2002 में आप मुंबई गए, ओवरनाइट आपने डिसीजन लिया, आप नौकरी कर रहे थे अच्छी मिली और यू टुक अ लीप ऑफ फेथ एंड एडवेंचर एंड यू जस्ट कितनी बार और आपके शायर को, आपके अंदर के शायर को ठेस पहुंची उस रोल को निभाते हुए, एंड आपने इसे कैसे हैंडल किया इन सब सालों में? असल में मुझे यकीन मानिए मुझे बिल्कुल ठेस नहीं पहुंची, मुझे बिल्कुल ठेस नहीं पहुंची, क्योंकि मुझे लगता है कि शायर और गीतकार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के की दो साइड्स हैं। अगर आप अच्छे शायर नहीं हैं तो आप अच्छे गीतकार नहीं हो सकते। अगर आप अच्छे गीतकार नहीं हैं तो आप बहुत देर तक चल नहीं सकते। अगर आप बहुत देर तक चल नहीं सकते तो लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना सकते। अगर लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना सकते तो लिखने का फायदा क्या? तो मैं ऐसा नहीं मैंने महसूस किया, बल्कि मैं अक्सर ये बात कह रहा हूँ और बड़ी देर से कह रहा आया हूँ कि शायरी एक पहलू है, एक सिक्के का एक हिस्सा है, गीतकारी दूसरा हिस्सा है। देखना यह है कि उस गीत में धीरे धीरे चलते चलते वो कहाँ जगह है जहाँ पे एक हल्का सा शायरी का एक टुकड़ा, एक अंश, एक लाइन रख दी जाती है या रखी जा सकती है। तो बस वही ढूंढता हूँ मैं। गीत का पहला घोखड़ा उस कंपनी का होता है जिसने बेचना होता है वो गीत, और गीत का पहला अंतरा उस सिचुएशन का होता है जो डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने बनाई होती है, और गीत का दूसरा अंतरा मेरा होता है जिसमें थोड़ा सा इरशाद काम होता है। मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांगी,
कैसा खुदा है तू, बस नाम का है तू रब्बा, जो तेरी इतनी भी ना चले। तेरी नजरों में न तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम या फिर दुनिया गलना या फिर कोई और, तो वो थोड़ा सा जब सबका ध्यान इधर उधर हो जाता है, मैं आराम से अपने आप को वहां पे रोक लेता हूँ। नजर लग जाएगी भोला पिक्चर है अजय देवगन साहब की, उसमें एक लाइन का बात, एक लाइन का जिक्र करूंगा, एक लाइन बीच में आती है कि तेरा होना भी है एक हुनर। बड़ी सिंपल लाइन है, तेरा होना भी है एक हुनर। मैंने म्यूजिक डायरेक्टर को कहा कि क्या ऐसा हो सकता है सिंगर इसमें कॉमा लगा दे, जैसे तेरा होना भी है एक हुनर, तेरा होना भी है एक हुनर। और फिर अगली बार जब रिपीट करे तो इस तरह से कॉमा लगाए, तेरा होना भी है, तुम्हारा हो जाना भी एक हुनर है, तेरा अपने आप में होना भी एक हुनर। सच, बिल्कुल। इसी बात से मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, एक शायर खुले आसमान में उड़ता है, आप कहीं भी इसकी उड़ान होती है और उसको कोई रोकना नहीं। बॉम्बे इंडस्ट्री की एक अपनी डायमेंशन है, उसकी अपनी एक एजेस है और बहुत सारी लिमिटेशन है जिसमें आप लिखते हैं। अब उसमें अपनी पसंद की इंस्पिरेशन, अपने पसंद के आइडियाज अगर ढूंढे हैं और आप क्योंकि दिन भर दिन उसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं, तो आप सालों दर साल कॉन्शियसली किस तरह की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके आइडियाज जो फ्रेश होते रहें, आपके अनुभव भरते रहें, क्योंकि आप हर रोज शायद 10 में से 8 गाने आप रोमांटिक ही लिख रहे होंगे, आपकी बात रिपीट ना हो, आपके लफ्ज और उनके मायने रिपीट ना हो, तो आप कुछ कॉन्शियस एफर्ट करते हैं? कॉन्शियस एफर्ट सिर्फ इतनी सी होती है कि जो हो रहा है उस पर ज्यादा ध्यान ना दिया जाए और जो सिचुएशन है, जो किरदार है, उसके साथ चला जाए, उसके साथ जिया जाए और जब वक्त मिले तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाए, बस इतनी सी कोशिश होती है। और ईमानदारी से मैं आपको बताऊं कि क्योंकि गाने ज्यादातर रोमांटिक होते हैं और रोमांटिक गाने बहुत देर से लिखे जा रहे हैं, आजकल से तो लिखे नहीं जा रहे, तकरीबन 95 ईयर से फिल्में बन रही हैं और गाने आ रहे हैं, बोलती हुई फिल्मों की बात कर रहा हूं मैं। अब आप अलग क्या है उस गाने में, किसी रोमांस में अलग क्या है, आप सब लोग बैठे हुए हैं, आपकी लव स्टोरी अलग है, जितने लोग बैठे हुए हैं सबकी अलग है, किसी की दूसरे के साथ नहीं मिलती है, यकीन मानिए आप, और आपकी सबकी लव स्टोरी खास है। पूछ के देखिए अपने आप से, आप कभी अपने आप को कहते होंगे कि अरे यार ऐसा हुआ था और मैंने उसे, अगर खत वाले जमाने के हैं आप तो खत कैसे पहुंचाया था, अगर मेल वाले जमाने के हैं तो मेल कैसे किया था, अगर आप व्हाट्सएप वाली एज में है तो व्हाट्सएप में मैंने क्या लिखा था। तो हर एक की लव स्टोरी अलग है, तो यहाँ भी किरदारों की लव स्टोरी अलग है और आप वो किरदार हो जाते हैं तो अपने आप आपको उस तरह की मुझे लगता है लव्स भी मिल जाते हैं या उस तरह के थॉट्स मिल जाते हैं। कोई ऐसा गाना जिसको लिखने का प्रोसेस बहुत ज्यादा भारी और बहुत ही पेनफुल रहा हो और लेकिन जब वो बन के आया आपके सामने, जब आपके जहन से उतरा पन्नों पर, तो आपको लगा कि हाँ ये बहुत खूबसूरत बात है एंड यू प्राउड ऑफ इट, लाइक तकलीफ में तो कुछ नहीं होता, क्योंकि जब आप हॉबी पे काम कर रहे होते हैं, जब आपकी हॉबी लिखना होती है और जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन होता है तो तकलीफ नहीं होती है। लेकिन ये बहुत इंटेंस रहा और डिफिकल्ट लगा हो आपको गाना लिखना? डिफिकल्ट रहा हो, वो इस वजह से एक रॉकस्टार पिक्चर आई थी, उसमें हवा हवा गाना था,
हवा हवा गाना इस वजह से डिफिकल्ट था क्योंकि उसमें स्लीपी जॉन की वही की चेक रिपब्लिक की फोक टेल थी जो मुझे डालनी थी जो हमारी कहानी के साथ भी जाती थी। अब आप कंपोजिशन के हिसाब से एक फोक टेल डालने की कोशिश भी कर रहे हैं और कहानी भी निभा रहे हैं और फिर ए आर रहमान साहब का म्यूजिक था उसमें उसमें वो उन्होंने कुछ कंपोजिशन में साउंड्स का इस्तेमाल किया था वो साउंड्स भी बजाने थे तो दैट वाज द डिफिकल्ट सॉन्ग आई फील राइट बैक और मीटर में लिखना उस बंदिश में रहना ये अपने आप में एक हुनर अपने आप में डेवलप करना पड़ता है। आपकी आपको ये राइटिंग में ऐसी क्या चीज जो आप नए नए आए क्या चीज उभारनी पड़ी और कौन सी चीज दबानी पड़ी कि आप उस मीटर में लिखना सीख सके। नहीं मीटर में मैं थोड़ा बहुत पहले भी लिख लेता था थोड़ा बहुत लिख लेता था लेकिन ऐसा कुछ मुझे मैं जिस तरह का था मैंने वही किया मैंने किसी के हिसाब से कुछ चलने की कोशिश नहीं की जिस तरह की मेरी मिट्टी थी जिस तरह की उस मिट्टी में खुशबू थी उसी के साथ मैं बना रहा उसी के साथ बना हुआ हूँ। रही बात कंपोजिशन पे लिखने की या मीटर पे लिखने की जब आपको थोड़ा बहुत जैसे अभी जावेद साहब गजल के बारे में बता के गए हैं बहुत सारी बहरें होती हैं गजल में अगर आपको बहर के हिसाब से लिखना आ जाए तो कोई भी कंपोजिशन के भी सुर जो होते हैं उनका जो चलन होता है जो सर्कल होता है वो एक पर्टिकुलर सर्कल होता है उस सर्कल के हिसाब से आप चीज़ों को लिखते हैं। तो क्योंकि मैं गजल में थोड़ा बहुत उस टाइम भी दखल रखता था तो इस वजह से मुझे कोई ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी नहीं पड़ी। इस बारे में आगे चलें आप प्लीज कुछ सुनाइए अपनी पसंद का। मेरी पसंद का मुझे मैं पता नहीं आप लोगों को किस तरह का अच्छा लगेगा फिर भी ये सुना देता हूँ कि अपने खिलाफ अपना ही किरदार मत बना अपने खिलाफ अपना ही किरदार मत बना क्योंकि गजल की बात की थी और जैसा मतले की बात करके गए हैं।